हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एलन नाइटी फिटिंग्स करना बताएंगे, किस तरीके से रेडीमेड नाइटी को फिटिंग्स करना है। तो चलिए स्टार्ट करती है इसको किस तरह से फिटिंग्स करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें इस नाइटी को देखना है, इसका शोल्डर कितना इंच है और इसका चेस्ट कितना इंच है और इसका लंबाई कितना इंच है। तो हमें देखिए, सबसे पहले इसका शोल्डर नाप कर देखूँगी ये कितना इंच का शोल्डर है। ये देखिए, ये 14 इंच का शोल्डर है। शोल्डर ठीक ही है, हमें शोल्डर में कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखना है चेस्ट कितना इंच है। तो एलन नाइटी को तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिटिंग्स कर कर ही पहनती है। फिटिंग्स एलन नाइटी पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इसमें बहुत बड़ा साइज है, ये 46 साइज है, तो हम इसको 40 साइज के हिसाब से रखूँगी। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम 40 साइज के हिसाब से निशाना लगाऊंगी। इसमें देखिए 2 फुल किया हुआ है, तब हम यहाँ से 20 इंच पर निशाना लगाऊंगी। और यहाँ से भी देखिए 20 इंच। फिर हम कमर लेना है, ये देखिए हम आमहुल से कमर का मेजरमेंट लूंगी 7 इंच पर, और इस साइड से भी 7 इंच पर ही रखूंगी। फिर जैसे यहाँ से कमर लेना है, कमर हम 36 इंच पर रखूंगी। ये देखिए, यहाँ से हम 18 इंच पर कमर रखूंगी। हिप के लिए हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, इसको हम आइडिया से मिला दूंगी हिप को थोड़ा सा बड़ा साइज रखकर। तो उसके बाद देखिए, यहाँ से फीता को निकाल लूँगी, इसको मैं बाद में सिलाई करूँगी सिलाई करने के टाइम में। तो अभी स्लीव का मेजरमेंट लूँगी। ये देखिए, स्लीव ज़्यादा लंबाई है, हमें स्लीव को पहले थोड़ा सा काट कर दूँगी। आपको जितने इंच तक लंबाई रखना है, आप अपने हिसाब से लंबाई रखकर उसको काट कर लीजिए। अगर आप लंबाई पसंद है तो आप इसको काट मत कीजिए। मुझे तो लंबाई पसंद नहीं है, तो इसलिए हम 1 इंच से काट कर दूंगी। फिर हम सिलाई करने के लिए यहाँ से जो सिलाई किया हुआ है इसको खोल लेंगे। उसके बाद हम फीता का निशाना लगाऊंगी। ये देखिए, पहले कहाँ पर सिलाई किया है ठीक वहाँ से लगा दूंगी। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है तो ऊपर भी उठा सकते हो। तो अभी हम लंबाई का मेजरमेंट लूँगी। तो लंबाई का मेजरमेंट लेने के लिए हमें इसको 2 फुल कर लूँगी नाइटी को। तो अभी हम लंबाई का मेजरमेंट लूँगी। ये देखिए, यहाँ से शोल्डर से लेना है। इस नाइटी का लंबाई 52 इंच पर रखूँगी और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच रखूँगी, नीचे की तरफ से 1 इंच पुल कर सिलाई करूँगी। तो अभी मैं इसको काट कर दूँगी। तो काट कर लिया, अभी हम निशाना का हिसाब से सिलाई लगाऊंगे। ये देखिए, मैं चौक से निशाना देकर रखा है ठीक उसी के हिसाब से सिलाई करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको बाद में काट कर दूंगे। सबसे पहले हम स्लीव को सिलाई करूंगे। ये देखिए, स्लीव को हम 2 फोल्ड में फोल्ड कर सिलाई कर लूँगे।
स्लिप सिलाई करने के बाद नीचे का मोहरी मोर का सिलाई करूँगी। ये देखिए इसको मैं 1 इंच तक फुल किया है। नीचे का मोहरी को फोल्ड करके सिलाई कर ले, तब हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर दूंगी, दोनों साइड की तरफ से काट कर दूंगी। तो फिर से अभी दूसरा साइड सिलाई करूंगी। ये देखिए इसको यहाँ से सिलाई करूंगी। ये देखिए सिलाई कंप्लीट है। तो अभी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर दूंगी। तो अभी दिखाती हूँ इसको किस तरीके से फिटिंग्स किया है। ये देखिए फ्रेंड, वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं आप लोगों को इसका पहना हुआ पिक्चर दिखाऊंगी किस तरीके से इस नाइटी का फिटिंग्स आया है। ये देखिए इस तरीके से इस नाइटी का फिटिंग्स आया है। एलन नाइटी को इस तरीके से फिटिंग्स करके पहनने से अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नई वीडियो के साथ।